भैया हैप्पी दिवाली, एक मुस्लिम भाई की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली, और भैया मुंह मीठा कीजिए। धन्यवाद भैया। कैसा लग रहा है मुस्लिम भाई आपको विश कर रहा है? बड़े भाई हैप्पी दिवाली। क्या नाम आपका? अनुराग। भैया हैप्पी दिवाली। ये मुस्लिम भाई की तरफ से मोहब्बत का पैगाम है आपके लिए। हमारे साथ में झूठा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। अनुराग भाई कैसा लग रहा है आपको? एक मुस्लिम भाई आपको विश कर रहा है दिवाली की मुबारकबाद दे। भैया हैप्पी दिवाली। एक भाई की तरफ से एक लड्डू और खाएंगे आप। ये हमारा मोहब्बत का पैगाम है आपके भाई की तरफ से। भैया पहले तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? एक मुस्लिम भाई दिवाली की मुबारकबाद दे रहा है, वो भी सड़क पे खड़ा हो गया। भैया हैप्पी दिवाली। एक लड्डू भी। क्या नाम भाई आपका? उमेश। उमेश पंडित जी। भैया कैसा लग रहा है? एक मुस्लिम भाई विश कर रहा है, वो भी सड़क के बीच में खड़ा हो गया। हैप्पी दिवाली। आइए ना, एक मिनट आइए सर, एक सेकेंड, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं मिठाई भी खिलाना चाहूँगा सर आपको। क्यों? शुगर का पेशेंट। शुगर पेशेंट है। अच्छा सर एक बात बताइए, इधर आइए सर। एक मुस्लिम भाई आपको विश कर रहा है, पहले बताइए कैसा लग रहा है? सर हैप्पी दिवाली। सर एक लड्डू भाई की तरफ से। मीठा कम खाता हूँ। मीठा कम खाते हैं आप? चलिए ले लीजिए, इतना ही बहुत है मेरा मान रखने के लिए। क्या नाम सर आपका? मोहनलाल। मोहनलाल सर, जैसे एक मुस्लिम भाई विश कर रहा है दिवाली का, कैसा लग रहा है आपको? हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली। ओ एक मिनट सर, ये मुस्लिम भाई की तरफ से विश नहीं कर सकते दिवाली की मुबारकबाद? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल। मैंने सीधा हाथ इसलिए नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आपकी चोट लगी हुई है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा। आइए इधर आइए भाई, एक लड्डू लेंगे भाई। नहीं नहीं मैं खाऊंगा कुछ नहीं अभी। अच्छा मैं शाम के बाद ही खाऊंगा। शाम के बाद ही खाएंगे। अच्छा भाई इधर आइए तो सही। भाई कैसे लग रहा है एक मुस्लिम भाई आपको विश कर रहा है दिवाली की? सर एक मिनट सर, हैप्पी दिवाली। सर एक लड्डू जी, जितना मर्जी आपका लीजिए आप। अच्छा सर कैसा लग रहा है आपको? एक मुस्लिम भाई विश कर रहा है आपको। सर एक लड्डू। लड्डू तो मैंने गुड़ खा लिया। सर चख लीजिए मान के लिए मेरे। पंडित जी हैप्पी दिवाली। एक नमस्कार। एक मिनट लीजिए पंडित जी, मुंह मीठा कीजिए। कैसा लग रहा है पंडित जी मुस्लिम भाई आपको दिवाली की मुबारकबाद दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों आज दिवाली का दिन है और आपका ये मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद देने आया है और उन्हें अपने गले से लगाने आया है। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं भाई मेरी मुबारकबाद कौन कौन कबूल करता। बहुत अच्छा लग रहा भाई। तो थैंक यू भैया। तो भैया ऐसा होना चाहिए या नहीं? मजहब ये नहीं बोलता कि इंसानियत जी, कोई भी हो गया, वो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, सबसे बड़ी इंसानियत है। सबसे बड़ी इंसानियत भाई, सही कह रहा है। कोई भी हो, सुनो अब कोरोना का वक्त आया जी, वो तो पुराने वक्त को भूल जाओ जी, जो भी है कोरोना का वक्त आया, आपने मदद नहीं करी जी जी, कोई ऐसा बंदा हुआ जिसने मदद नहीं करी? हाँ सबने एक दूसरे की मदद करी है भैया, बल्कि गरीब आदमी ने भी एक दूसरे की मदद करी जी जी जी, इसको नहीं थी उन्होंने भी सोचा यार चलो यार, मतलब धर्म तो मतलब नहीं था, इंसानियत से मतलब इंसानियत था। सबसे सुनो आपके जो पीर हो गए, दरगाह हो गए, ये जो हो गए, इन्होंने क्या करी इंसानियत के लिए? तो उन्होंने जन्म लिया जी जी, किसी भी कोई हो गया, इनका गुरु हो गए जी जी। जब धर्म खत्म होने के चक्कर पे आता है ना, बिल्कुल आसार पे आता है, तो कोई ना कोई रूप में आदमी इंसानियत के रूप में पैदा होता है जी जी जी, वो ये दिखाने के लिए कि हमें इसको बचाना है। सही कह रहे हैं भैया। सही कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं भैया। क्या नाम आपका? नितिन। नितिन भैया बहुत अच्छा लगा, लड्डू खाया नहीं आपने मेरा? खाऊंगा क्यों नहीं। बस भाई मेरा तो यही मैसेज है कि भाई सब मिलजुल के रहें, एक दूसरे के तबाद पे विश करें एक दूसरे को भाई। चांदनी चौक। मैं चांदनी चौक में रहता हूँ। और फिर उसके बाद में रहते हैं जाफराबाद। जाफराबाद में भी रहकर आए आप? हमारा घर ऐसे है, लोग आओ घर वाली बात है, गेट के ऊपर रहते हुए ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मंदिर गली नंबर 12 के अंदर
हमारा घर। क्या बात है भाई, कितने साल रहे जाफराबाद में आप? कम से कम भाई हमारी, हम चौथी में पढ़ता था तब से मैं अभी तक जवान हूँ, अब तक जाफराबाद में रहे। मगर भाई एक बात हो, जाफराबाद तो कहते हैं मुस्लिम लोगों का गढ़ है, वहाँ पे कोई हिंदू ऐसा नहीं जो आराम से रह सकता, ऐसा कुछ है? अरे नहीं पागल समझिए, भाई दुनिया ऐसे कहती है जाफराबाद में तो वो हिंदू जा भी नहीं सकता। लड़ाई हुई थी ना जी, लोग कह रहे लाला जी तुम अपनी दुकान खोल के बैठो, हम बैठे ना कोई दिक्कत बताओ। कोरोना के अंदर भी हमारी परमानेंट दुकान खुली पड़ी जाफराबाद में। अभी भी दुकान है आपकी? पापा की डेथ हुई ना। अच्छा फिर अब हम जॉब पे लग गए। अच्छा जॉब पे लग गए, लेकिन ये है कि हम घर वाली बात की, जैसे हम अपना घर समझते हैं ना जी जी, वैसी मुस्लिम हमारे अपने घर वाले कोई किसी घर में आने की कोई भेदभाव नहीं। अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता, किसी घर में रहो तो परेशानी या डर होता है? अरे नहीं होता, नहीं होता ना भैया, आदमी के मन का भेद है। मन का सुनो, दस दस हिंदुओं में अगर मन में भेदभाव होगा तो वो भी वो करेंगे। हाँ ये तो, दस मन के अंदर होगा तो वो भी ये तो है, लेकिन ये है कि सब जो पुराना आदमी होगा ना, जो जैन बंदा होगा वो एक दूसरे को वैसी देखेगा जैसे अपने नजर। सही कह रहे, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर। अरे भाई हम तो बचपन से लेके अभी तक चांदनी चौक नहीं रहे हैं। अच्छा, और देखो चांदनी चौक वालों के दिन है शाम, सही बता रहा, मैं भी चांदनी चौक कहीं। हाँ अब की जो जमाना है ना, ये आ रहे अपने भेदभाव के अंदर लोग अपनी नए में जी रहे, बता रहे। ये तो है, ये तो सही कर रहे हैं सर, भाई भाई का नहीं है नहीं है सर। देखो मैं देखो सही बात कहता हूँ। अच्छा और तो सब कुछ होगा। अच्छा भैया हम लोग आपकी वीडियो बना रहे हैं, हम लोग सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, यही दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम का प्यार, जैसे आप हिंदू मैं मुस्लिम, आपको विश कर रहा हूँ आपके त्यौहार पर। वो सामने कैमरा लगा हुआ, एक हाथ हिला दो भैया। थैंक यू भैया, हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पहले कभी हुआ आपका ऐसा? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अम्मी आज जरा खुदा के मिले, ये पाइप जाते हैं आपको, चले मिला जाएंगे। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई। अनुराग भाई है हम लोग, भाई आपकी वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम यही दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम का प्यार। अच्छा लगा ना आपको? बाकी बहुत बढ़िया भैया, वो सामने कैमरा लगा हुआ मेरे दोस्त, एक हाथ हिला दो आप। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली गाइस आपको भी। थैंक यू। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं, पहली बार हो रहा है। तो भाई एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम के बारे में एक प्यारा सा सेंटेंस बताओ आप, मोहब्बत का पैगाम बताओ। ऐसा होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ राजनीति में दिखाते हैं ये चीज़ें, और बाकी भैया अच्छा लगा आपको? क्या नाम भैया आपका? मुकेश। मुकेश भाई, भैया आपकी वीडियो बना रहे थे। हम लोग ना हिंदू मुस्लिम का प्यार का पैगाम देते हैं, हम सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसमें हिंदू मुस्लिम का प्यार दिखाते हैं भैया। तो ये ना भैया आपकी वीडियो बन रही है, सामने कैमरा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे, एक हाथ हिला दो भैया। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कोई मुस्लिम भाई भी सड़क पे खड़े होकर दिवाली की विश कर रहा है? थोड़ा जोर से बोलिए भैया। सुभाष मोहल्ले में? अच्छा आप सुभाष मोहल्ले में रहते हैं मुस्लिमों के बीच में, तो वहाँ तो मिलते ही रहती होगी मुबारकबाद। अच्छा अच्छा, अच्छा भैया जरा एक मिनट खड़े होकर इधर आएंगे जरा, मुझे पहले तो दो बातें बताइए भाई। खड़े हो इधर आइए भैया, पहले तो मुझे दो बात बताइए, हिंदू मुस्लिम में जो थोड़ा भेदभाव दिखाते हैं ये चीज़ सही है या गलत है? गलत है, सारे मुस्लिम यार दोस्त जान छिड़कते हैं आपके पास, क्या बात है भैया। बढ़िया, ये गलत है, ये गलत है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बस ये न्यूज़ में ही दिखाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आप मुस्लिमों के बीच में कब से रह रहे हो भैया? 40 साल तो, 40 साल, 46 मेरा भाई जो 55 साल का, यानी बचपन से यही रह रहे हैं। मगर भाई मैं सुनता हूँ मुस्लिम के, मैं सुनता हूँ मुस्लिमों के गढ़ में हिंदू सुरक्षित नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है,
सब मिलजुल के रहते हैं फैमिली की तरह। बिल्कुल भाई, उनकी बहन है हमारे बहन, उनकी बहन हमारी। वाह क्या बात है, उनकी बहन हमारी बहन, हमारी बहन है। जाते हैं भाई उनके घरों में, और अब भी ईद पे जाते हैं, हर जगह हर उसमें जाते हैं, सब प्यार है। और अब भी है भाई, एक बार वो इसमें निकला होगा फोन मारो सारे खड़े खड़े। वाह क्या बात है मेरे भाई। भाई कह रहे हैं एक दफ़ा कभी झगड़ा कोई बात हो जाए, हिंदू नहीं आएगा मगर सारे मुस्लिम भाई खड़े हो जाएंगे, गले मिलेंगे, गले में अभी यहां खड़ा हूं, अभी तो आ जाएंगे। अरे भाई नहीं नहीं, गले मिल लो भाई से। थैंक यू भाई। भाई आपकी विरोध है भाई, आपकी वीडियो बना रहे थे। कोई बात नहीं, हम लोग सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम का प्यार दिखाते हैं। उस बात से विरोधी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग का एक बार शायद यूट्यूब में भी देखा था। हां सर मैं वही। यस सर, वाह सलाम। अरे अरे अरे, सर वो कैमरा लगा, क्या नाम सर आपका? पंकज। पंकज सर, सर मेरा नाम है। अच्छा भाई, भाई आपको भी भाई की तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक लड्डू भाई। लड्डू खाया हुआ है सर, थैंक यू। गुलाब लीजिए सर, आप जो खाओगे। बताओ एक मुस्लिम भाई का झूठा खा रहे हो सर, आप भी लीजिए। ओके सर, थैंक यू। सर लीजिए, आपने तो खाया नहीं। अरे सर मैंने आपका देखा सर, बड़ा अच्छा लगा आपने दोनों मुस्लिम में जो प्यार दिखाते हैं। मैंने जब भी मैंने देखा आपको, देखा सर भाई साहब वही यूट्यूब वाले। जी जी सर, तो सर देखिए मैं थोड़ा कोशिश ये है, ना के बराबर कोशिश है क्या, आपस में प्यार बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। और इसी में नेताओं की वजह से जी है, आपस में है ना नेताओं की वजह, नहीं तो आपस में हिंदू मुस्लिम दोनों एक मिलकर रहना चाहते हैं, मिलके रहना चाहते हैं। तो भी पॉलिटिक्स है सर, पॉलिटिक्स ओनली फॉर पॉलिटिक्स। ठीक है सर, एक गले मिल लिया आपसे मैं। सर आइए, थैंक यू, दिख जाएगा। थैंक यू, ओके बाय। बहुत अच्छा लगता है, और ये होना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। मगर आजकल तो हम सुनते हैं ऐसे आपस में ये सीधे झगड़े नफरत, ये क्या होता है फिर? सब सरकार ने करा रखे हैं, बाकी नीचे कोई लेवल पे कोई नहीं है। नीचे लेवल पे कोई नहीं है, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है ना वही ज्यादा करता है, जो न्यूट्रल है वो नहीं करता। ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, कभी करता है। देखो सिस्टर की शादी में ही उसने हेल्प करी थी, जो ममता ने आमिर खान। अच्छा चलिए सर, क्या नाम आपका? दीपी गुप्ता। दीपी गुप्ता, ठीक है सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। हम भी ईद पे, मेरे भी दोस्त हैं जिनको मैं विशेष करता हूँ, करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बाकी भाई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ ऐसा होना चाहिए कि कोई अनजान व्यक्ति हिंदू मुस्लिम जिसका त्यौहार एक दूसरे को विश करें, मोहब्बत बढ़ेगी समाज में। ऐसे आप भी खुद कर, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष भाई, क्या हुआ आपके हाथ में? तो ऐसे घर पे स्लिप हो गया था। अच्छा स्लिप हो गया था। मनीष भाई थैंक यू, कोई बात नहीं, आपकी वीडियो बन रही है सर। अच्छा थैंक यू सर। वो सामने कैमरा लगा हुआ, हम सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा। हिंदू मुस्लिम पर वीडियो बनाते हैं। अच्छा। प्यार पर मोहब्बत पर। बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, भाई एक हाथ दिला दीजिए कैमरे पर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? थैंक यू। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्या नाम सर आपका? मांगेराम। माही? मांगेराम। मांगेराम, तो सर ये चीज़ होनी चाहिए ना हमारे देश में, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और जब भी हमारा देश आगे बढ़ेगा, जब आपस में इत्तेफाक मोहब्बत बढ़ेगी, यही होना चाहिए। मगर सर ऐसा होता क्यों नहीं फिर? पॉलिटिशियंस हैं हम लोग, आप लोग थोड़ी लड़ते हैं। अच्छा, ये बैठे हैं जो झगड़ा कराते हैं, नेता लोग कराते हैं, लोग कराते हैं, हम तो लड़ते ही नहीं। आप कहाँ लड़ रहे हो? मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? नहीं लड़ते तो नहीं लड़ते नहीं। इनको मार दो ना, इनको खत्म कर दो, देखो देश भी बढ़ेगा। अच्छे पढ़े लिखे आदमियों को लाओ, अनपढ़ खाले नीचे बैठे, कुछ पता नहीं सता नहीं, बस देश को बड़ा बड़ा के जनता का वोट लिया, ऊपर बैठ के फिर झगड़ा कराते, यही है। फिर भी ये पॉलिटिशियंस हैं जो ये कराते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिशियन को छोड़ दी, देखिए जहाँ जिस कंट्री में पॉलिटिक्स हैवी नहीं है जी, आप देख लो उठा के कोई नहीं झगड़ता है। ये हमारे यूरोप में झगड़े होते हैं, वार होती है, जैसे यूक्रेन रशिया वाली वहाँ तो आपस में कोई नहीं लड़ता। मैं तो देखेगा, मैं फॉरन सर्विस में था, विदेश सेवा में था वो। आप? हाँ जी, मैं 70 कंट्री घूम के आया हूँ, 8 कंट्री मैंने पोस्टिंग की। मैंने कोई लड़ता नहीं था। बांग्लादेश में 6 साल रहा हूँ। अच्छा, अफ्रीका में मैं 6 साल रहा हूँ, यूरोप में मैं 8 साल रहा हूँ, रशिया में मैं 6 साल रहा हूँ, 38 साल बारह में नहीं कोई लड़ता नहीं। बांग्लादेश में झगड़े क्यों हो रहे? क्यों? पॉलिटिक्स है। अच्छा वहाँ पर ही पॉलिटिक्स है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ तो पॉलिटिक्स ही है। अच्छा, तो मेरा तो मानना ये है कि हम नहीं लड़ते, नेता लोग करवा, नेता लोग कराते, टोटल वही कराते। अच्छा मालूम है, आप देखिए
जहाँ भी अनपढ़ ऊपर बैठे हो जी अच्छा चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर आपकी वीडियो बन रही थी सर हम लोग सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं हम हिंदू मुस्लिम के प्यार पे वीडियो बनाते हैं सर मैं तो बोल रहा हूँ हम लोग आप लोग लड़ते ही नहीं है जी जी कहाँ लड़ते हैं कोई नहीं इसके पास टाइम है ये बैठ के कहीं सुझाव लगा दे या कहीं सुझाव लगा दे तो झगड़ा शुरू काम ही खा ठीक है सर ऐसा कुछ नहीं है सर सामने एक मिनट सर सामने कैमरा लगा हुआ भी दिखाता हूँ जाने दीजिए सर एक हाथ हिला दीजिए वो सर वो पर्दे के पीछे वो थैंक यू सर सर मैं चांदनी चौक रहता हूँ गले मिल सकता हूँ सर आपसे गले मिल सकता हूँ चलो कोई बात नहीं जैसी आपकी इच्छा सर कैसा लग रहा है पहले तो बताइए एक मुस्लिम भाई आपको दिवाली की विश कर रहा है वो भी रोड पे खड़ा होकर कैसा लग रहा है त्यौहार सबके लिए होते हैं जी जी सर इधर आ जाइए एक मिनट के लिए सर हिंदू मुसलमान तो ये बात की बात जी पहले इंसान है पहले इंसान इंसानियत है इंसानियत जी अभी जो माहौल चल रहा है पूरे देश में ये इंसानियत जो खत्म की जा रही है खत्म की जा रही है सर इससे पूरा जो है यानी ऐसा नहीं है भाई हिंदुओं के लिए अच्छा है किसी के लिए भी अच्छा नहीं है किसी के लिए भी नहीं किसी धर्म के लिए भी अच्छा नहीं है यदि इंसानियत खत्म होगी तो सबके मानवता के लिए खतरा है अच्छा आज जो लोग बोलते हैं कि ये यानी कि इसकी वजह से ये हो रहा है या मतलब हिंदू खतरे में सबके बीजेपी वालों का ड्रामा है अच्छा भारत वालों का ड्रामा है इसमें हमें इसके बहकावे में नहीं आना है जी जी क्योंकि मैं तो जो है अम्बेडकरवादी आदमी हूँ ये ना हिंदुओं से मतलब जो है ना बाकी लोगों से मतलब जो है लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत का संविधान जिंदा रहना चाहिए जिससे लोगों की रक्षा होती है बहुत सही कहा सर आपने बहुत सही कहा मुझे यानी बीजेपी वालों से इसलिए यानी परेशानी होती है जो भारत के लोग हैं जो लोगों को तोड़ रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम में बीच में दरार डाल दरार अभी जो है यानी कि हमारे बुजुर्गों ने आप लोगों के बुजुर्गों ने पूरा देश को जो है यानी कि यहाँ तक लाए थे आज़ादी के बाद जो है चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग थे जी जी अभी बीजेपी आरएसएस के लोग इसको 1947 में लेके जा रहे हैं पीछे वापस लेके जा रहे हैं सर जो कि यानी कि पूरे देश के लिए पूरे मुल्क के लिए ना एक जो उसकी एकता खंड के लिए खतरा है वो हमको विशेषकर दलित और मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम है डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम सर आपकी वीडियो बन रही थी सर हम लोग सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं हिंदू मुस्लिम का प्यार दिखाते हैं और सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर सामने कैमरा लगा हुआ एक हाथ हिला दीजिए सर हम लोग यही दिखाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम में प्यार है वो पर्दे के पीछे सर एक हाथ हिला दो सर थैंक यू सर गले मिल लो आ जाओ एक ऐसी कोई बात बिल्कुल पंडित जी ऐसा होना चाहिए नहीं बिल्कुल हमारे देश में होना चाहिए ना सब मिलजुल के रहे प्यार मोहब्बत से चलिए सर थैंक यू ओके सर सर आप भी लेंगे भाई लड्डू सर लीजिए सर नहीं मीठा मीठा नहीं हम गले मिल लेंगे चलिए गले मिल लेंगे दोस्तों जैसा कि आज दिवाली का दिन है और आपका ये भाई अपने हिंदू भाइयों से दिल मिलाने आया और उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और सबसे गले मिले और सबसे यही मोहब्बत का पैगाम दिया कि भाई ऐसा ही होना चाहिए सबको मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे के त्यौहारों पर सबको विश करना चाहिए।